जब भी कहीं दुनिया में कोई धम्म का कार्य होता है, बोधि का, बुद्ध का, धम्म का या संघ का कार्य होता है, घर में या कहीं सामाजिक समारोह में या पब्लिक फील्ड में या कहीं देश या विदेश में, सरकारी या गैर सरकारी, गवर्नमेंट का या नॉन गवर्नमेंट, तो वहां सबसे पहले बुद्ध को नमन किया जाता है। उसको आम बोलचाल में वंदना कहते हैं। इसके तीन भाग हैं। पहला भाग है रत्नत्रय। पाली के अंदर इसको रत्नत्रय बोलते हैं। रत्नत्रय का मतलब है तीन रत्न, रत्नत्रय। तीन रत्न का मतलब है बुद्धो, धम्मो, संगो। उसके बाद आती हैं तीन शरण। रत्नत्रय को इंग्लिश में थ्री जेम्स भी बोलते हैं। तीन शरण जो आती हैं उनको थ्री रिफ्यूजेस बोलते हैं। पहली शरण है बोधि की शरण यानी बुद्ध की शरण, फिर धम्म की शरण आती है और फिर संघ की शरण आती है। उसके बाद वंदना आती है। वंदना आती है बुद्ध की या सारे बुद्धों की, फिर धम्म की और फिर आती है संघ की, उन पारंगत लोगों के संघ की। तब जाके ये कंप्लीट होती है, फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम आरंभ होता है। ये जो वंदना नाम से हम ये कार्यक्रम करते हैं या इसको याद करते हैं, ये कोई कर्म कांड या कोई मान्यता ऐसी नहीं है कि ये करना ही है या इसके बिना करे कोई काम होगा नहीं या इसके करने से काम अच्छा होगा या खराब होगा या ये कोई ऐसा है कि अगर नहीं करा तो कोई पाप कर्म हो गया और किया तो कोई सुचिता कर्म हो गया यानी कोई शुभ कर्म हो गया, कोई अच्छा काम हो गया। इसको करने का जो सबसे अच्छा फायदा हमें मिलता है वो ये है कि एक तो असेंबली में सब लोग आ जाते हैं, दूसरा अगर इसका शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ यानी शब्द सार, वर्ड मीनिंग आपको पता है और आप एक एक शब्द को अच्छी तरह जानते हैं, फिर इसका फायदा आपके मन को, आपके शरीर को और आपकी वाणी को होगा। जब तक आप इसका एक एक शब्द या इसका सार या इसका अर्थ नहीं जानेंगे और आप इसको आंख बंद करके जैसे पीछे वाले बोल रहे हैं वैसे ही आप बोलते रहेंगे या कोई आगे बोल रहा है और वैसे ही आप बोलते रहेंगे, तो इसका आपको सिर्फ इतना फायदा मिलेगा कि एक अच्छा सा गाना या अच्छा सा लयमय संगीत आपके कानों में पड़ेगा जो आपको थोड़ी सी राहत देगा, या जो वहाँ वातावरण में जो अच्छी अच्छी तरंगे, अच्छे अच्छे लोग या मुस्कान एक साथ होगी क्योंकि सभी साफ शुद्ध होकर बैठते हैं, उसका फायदा होगा। संपूर्ण फायदा यानी पूरा फायदा इसका नहीं होगा, इसलिए इसके शब्द के अर्थ को जानना जरूरी है। रत्नत्रय में जो सबसे पहले रत्न है वो है बुद्ध। बुद्ध जो रत्न है उनको कैसे कहा जाता है, कैसे उनके गुण को बताया जाता है, ये इस रत्नत्रय में बताया गया है। बुद्धो इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरिस दम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा ति या भगवा इति। ये रत्नत्रय में पहला बुद्ध का रत्न है। इति पी सो भगवा, इति पी का मतलब है इति माने ऐसे और पी माने भी। भगवा जो शब्द है वो ऐसे आता है जैसे मितवा होता है, भगवा होता है, यानी जिन्होंने राग और द्वेष को भग्न किया है, खंडित खंडित किया है, बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है, उनको भगवा भी बोलते हैं। और जो रंग वो पहनते थे चीवर का उसको भगवा कलर भी बोलते हैं, और जो गीत वो गाए या जो सूत्र उन्होंने बताए उनको भगवा सूत्र या भगवा गीत भी बोलते हैं। भगवा जो शब्द है, नाम है, इसमें कहीं ऊपर चांद बिंदु की मात्रा नहीं है, ये सिंपल सा भगवा है, भगवान नहीं है, भगवा है, और ये भग्न से बना है जो राग द्वेष भग्न किया है। तो इतिपि सो भगवा यानी ऐसे भी हैं भगवा जिन्होंने भग्न किया है, इनको बाद में भगवान भी बोलते हैं और भगवान भी और भग्नवान भी और भंगी भी बोलते हैं। अरहंग सम्मासम बुद्धो, अरहंग, अरहंग का मतलब है अरह माने होता है जिनकी प्रशंसा की जा सके, जिनका आदर किया जा सके, जिनका सम्मान किया जा सके, यानी वो ऐसे हैं कि उनका सम्मान किया जा सकता है, वो सम्मान के लायक हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी स्तुति की जा सकती है, स्तुतिगान किया जा सकता है। सम्मा सम्बुद्धो,
सम्मा माने होता है सम्यक, सम्यक का मतलब होता है राइट, बिल्कुल सही। ये जो सम्यक शब्द है ये पूरे पाली साहित्य की जान है, क्योंकि जैसे बुद्धि है, हम ये कहें बुद्धिमान, बुद्धिमान दो तरह से हो सकता है, एक दुबुद्धि भी हो सकता है और एक सुबुद्धि भी हो सकता है, यानी कि अच्छी बुद्धि वाला भी और खराब बुद्धि वाला भी। भगवान बुद्ध ने, भगवान ने, सुगत ने, तथागत ने, बुद्ध ने अपने सभी ऐसे शब्दों में जो शब्द हैं जिनका दो अर्थ निकाला जा सकता है, जिनका निगेटिव अर्थ भी निकाला जा सकता है, उनमें सभी में सम्यक लगाया है। सम्यक का मतलब राइट, सही। जैसे चाकू दोनों काम करता है, चाकू सब्जी भी काटता है और जानवर भी मार सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। उसका सम्यक जो इस्तेमाल है वो सब्जी काटने का या पेड़ की छाल काटने का या कहीं किसी के दुख को दूर करने का होता है। सम माने होता है बराबर और पूर्ण। सम्मा सम का मतलब है सही और पूर्ण। सम्यक सम बुद्धो, और बुद्धो का मतलब है जो बुद्ध हैं। बुद्धो का मतलब एक बुद्ध से है, अगर बुद्धा होता तो बहुत सारे बुद्ध होते। सम्यक सम बुद्ध यानी ऐसे वो पूर्ण और सम्यक बुद्ध हैं। विद्याचरण संपन्नो सुगतो, विद्याचरण संपन्नो का मतलब है, विद्या माने होता है विद्या, जो हायर एजुकेशन होती है या हाईएस्ट एजुकेशन होती है उसको विद्या बोलते हैं पाली के अंदर। विद्या चरण, चरण का मतलब है विद्या प्लस आचरण, यानी विद्या में, ज्ञान में जो यान है उसमें वो हाईएस्ट लेवल पे हैं और आचरण में भी वो सबसे उन्नत हैं, सबसे ऊपर हैं। विद्या चरण सुगतो, सुगतो का मतलब है जिनकी गति सु है, यानी सु माने अच्छा होता है, कु माने खराब होता है, दु माने खराब होता है, अगर सु लगा दें तो वो अच्छा होता है। गति का मतलब यहाँ है कि जो वो जीवन जी रहे हैं वो, और जो उनका जीवन का अंत होने वाला है वो गति। यहाँ गति से मतलब दो है, यानी लगातार जो प्रेजेंट में चल रही है वो भी गति है और जो आगे आने वाली गति है वो भी है, वो उनकी अच्छी गति है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा उनका जो अंतिम परिणाम है वो अच्छा है। लोक विदु अनुत्तरो, लोक विदु, लोक का मतलब है, लोक जो बोलते हैं वो शरीर को बोलते हैं, और लोक बोलते हैं जो बाहरी जितने भी चीज़ें होती हैं उनको भी लोक बोलते हैं, और जो शरीर से परे की चीज़ है उनको लोकोत्तर बोलते हैं। लोक विदु का मतलब है उन्होंने अपने शरीर को अच्छी तरह से जान लिया है, और जो बाहर जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, जितने भी कर्म चलते हैं, जितने भी कर्म चलते हैं उनको भी वो अच्छी तरह से, विदु का मतलब है ज्ञानी, जानकार, यानी उस शरीर के और शरीर के बाहर के वो अच्छी तरह से जानकार हैं। लोक शरीर के बाहर जो ये पूरी दुनिया चलती है इसको भी लोक बोलते हैं, और इनसे परे को लोकोत्तर बोलते हैं। अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथी, अनुत्तरो का मतलब है जिसका कोई उत्तर ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, यानी अनुत्तर, इनका कोई जवाब नहीं है, इन जैसा कोई नहीं है, ये अनकंपेरेबल है, अनबीटेबल है, अनआंसरेबल है, इनका कोई जवाब नहीं है। पुरुष दम्भ सारथी, ये जो पुरुष शब्द है, पुरुष का मतलब होता है, ये यहाँ जो चलन में चलता है पुरुष का मतलब मेल से चलता है, मगर पाली भाषा के अंदर पुरुष का मतलब व्यक्तिवाचक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, यानी जो पुरुष है वो व्यक्ति है। पुरुष दम्म सारथी, दम्म का मतलब होता है दमन करना, दंत करना, यानी कि राग और द्वेष को समाप्त करना, जितनी भी गंदगी शरीर के अंदर है उसको दमन करना, उसको निकालना, यानी व्यक्ति की राग द्वेष की चीज़ों को खत्म करना, उसके अंदर के मैल को खत्म करना। सारथी माने हैं रथ का साथी, यानी कि ऐसे जो आपके रथ के साथी हैं, जो आपके सहायक हैं, जो आपका राग द्वेष दूर करने में सहायक हैं, ऐसे हैं भगवा। सत्था, सत्था जो बोलते हैं, आपने बहुत बार शब्द सुना होगा शास्ता, शास्ता जो संस्कृत भाषा है उसके अंदर बोला जाता है सत्था को। शास्ता का शय आता है इसमें, शय पाली में नहीं है, ये सत्था है। सत्था का मतलब है शास्ता, या सत्था का मतलब है टीचर, पढ़ाने वाले, जानकारी देने वाले, यानी कि गुरु भी बोल सकते हैं, गुरु या टीचर, सत्था। देव मनुष्यानंग, देव मनुष्यानंग का मतलब है देवताओं का और मनुष्यों को, यानी किसको सिखा रहे हैं, शास्ता किसके हैं, टीचर किसके हैं, गुरु किसके हैं, देवों के और मनुष्यों के। देव उनको बोलते हैं जो मन से शुद्ध होते हैं और पांच सील का पालन लगातार करते रहते हैं, पहले से या उन्होंने बीच में शुरू किया, लगातार कर रहे हैं, और कोई वो ऐसा पाप कर्म नहीं करते हैं, उनको देव बोलते हैं। और मनुष्य वो होते हैं जो
पांच सील का पालन नहीं करते हैं उन सबको मनुष्य बोलते हैं। तो किसको सिखाते हैं? देव मनुष्यानंग, देवों को और मनुष्यों को। बुद्धो भगवाति, बुद्धो भगवाति यानी बुद्ध जो हैं भगवा हैं, इति माने ऐसे, ऐसे भगवा बुद्ध हैं, ऐसे भगवान बुद्ध हैं। ये पूरी की पूरी जो त्रिरत्नत्रय का जो पहला बुद्ध है ये उसका शब्द सार है और ये लगातार बोला जाता है। इसको आप शब्दों को समझेंगे तो आपको बुद्ध के गुणों को समझ में आसानी से आएगी। धन्यवाद। इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती।